मूला वाला 6 साल बाद कोई चीज वायरल हुई, तभी तो मैं बेचारे से कसम खुदा की मुझे कख नहीं पता था इस बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जब कंट्रोवर्सी, तो जैसे मैं कह रहा हूँ उस नौयत की नहीं निकलती कि खुदा ना खासा कोई हर्ट हो या क्या हो, बट जो आपकी ट्रोलिंग होती है या जब मीम्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, डू दे टेक अ टोल ऑन यू? आप स्ट्रेस में जाती हैं, आप एंजाइटी? कभी कभार, कभी कभार, मैं हर वक्त नहीं। आखिरी बार ऐसा क्या हुआ था जिसे मैं बताऊं? वो ट्रोलिंग की वजह से नहीं होता, वो कभी आप वैसे ही अपसेट होते हैं, आपकी शायद तबीयत सही नहीं होती है, आपको आप सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, आपको छोटी सी बात बुरी लग रही होती है, अपने घर वालों की भी लगती है, अपने टीचर्स कलीग्स की भी लगती है, और कभी कभार आप बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप कुछ असर ही नहीं होता। शो पे ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अभी रिसेंटली या कुछ अर्से पहले आप बहुत एंग्जाइटी आपने महसूस की हो, या थोड़ा सा आपको बुरा महसूस हुआ हो रिएक्शन के बाद में? नहीं नहीं, कोई ऐसा शो, कोई ऐसा जैसे कहते हैं भंड, कोई ऐसा मसला कंट्रोवर्सी? मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक प्लानिंग की होती है कि शो ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके, जब वो कभी कभार मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता नहीं, कोई अरेंजमेंट में गलती हो गई, कोई गेस्ट नहीं आ सका या कुछ, फिर मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरता। जब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन पे वो शो पूरा नहीं उतरता, फिर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता है। और जब मैं शो अच्छा करके आती हूँ, जो मुझे मैंने सोचा होता है वो, और रेटिंग भी आ जाती है, आहा, फिर तो मैं, मेरे पैर जमीन पे नहीं टिकते। तो फॉर्मूला हो गया या सॉल्ट और नमक हो गया, वो चीजें नहीं बॉदर करती हैं? मुझे सॉल्ट और नमक वाला तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो मुझे किसी ने बताया, आपने सॉल्ट और नमक बोल दिया, अच्छा मुझे तो नहीं पता। फॉर्मूला वाला 6 साल बाद कोई चीज वायरल हुई, 6 साल तक इतनी वायरल हुई, 6 साल तक मुझे पता ही नहीं कि मैंने गलती की है, तभी तो मैं बेचारे से कसम खुदा की मुझे कख नहीं पता था इस बारे में। और मेरे हाथ में कार्ड था, मैंने बताया भी था शायद आपके, आपको उस पर बताया था सोशल मीडिया का जो आपका प्रोग्राम था, कि वो मेरे हाथ में कार्ड आया था, पर मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि मैं जो उसके बाद गेस्ट आने थे ना, वो नाराज होकर जा रहे थे, मैं उनको मना रही थी प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि प्रोड्यूसर भी आप शो की जी, तो मैं मतलब कैसे मैं उनको नाराज, वो नहीं रिसर्च नहीं हो सकी उस टाइम, रिसर्च मैं पढ़ नहीं सकी, लिखी हुई थी सब चीजें, टीम जो मेरी लड़की बैठी थी कान में वो, उसको भी नहीं पता था। बट बताएं फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, वो जब इतना हो रहा होता है, बच्चे यासिर भाई, बाकी बहनें सब, अंकल, कोई कहता है कि यार क्या बस कर दो अभी, यू नो बच्चे बोलते हैं अम्मा फॉर्मूला वन नहीं पता, मैंने कहा हाँ यार 6 साल पहले नहीं पता था, अब पता है, सही है, हो गया ब्लंडर यार, मतलब बुरा दिन था। तो मेरे मियाँ ने सपोर्ट की, मेरे मियाँ कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, हर चीज़ थोड़ी पता हो सकती है, उदास नहीं हो, मुझे मेरे सीईओ ने भी कहा था पढ़ लिया करो, मैंने कहा 6 साल पहले की बात थी, नहीं पता था ना, क्या हो गया? हाँ। तो फिर सब हंसने लगे जब मैंने बताया कि 6 साल पहले की बात थी, तो उस देखिए आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को, और स्पेशली यासिर भाई तो खुद जंप कर देते हैं बैंड वैगन पे और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, खुद ही वीडियोस बनाना। मुझे यासिर ने समझाया कि दूसरों को हंसने के बजाय तुम खुद तो हंसो ना अपनी बेवकूफियों पे, मेरी अम्मी अब्बू कहते तो तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तो ठीक है अब सही दुनिया कहती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया, बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल हो गए, अब मेरे ख्याल में चलते हैं एक गेम की तरफ।